आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बंगाली स्टाइल बनाना फ्लावर या मोचा रेसिपी, जो आयरन से भरपूर और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये बनाना फ्लावर या केले का फूल नॉर्मली वेस्ट बंगाल और केरला में खाया जाता है। इंडिया में, इंडिया के बाहर आप देख लो, थाईलैंड, चाइना, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम, ये सारे जगह में ये बनाना फ्लावर खाया जाता है, लेकिन अपने अपने स्टाइल में। आज मैं बंगाली स्टाइल में कैसे बनाते हैं मोचा घंटो वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्लावर की कटिंग प्रोसेस देख लीजिए। यह बनाना फ्लावर, इसके अंदर एक देखिए मोटा सा डंडी है, उसको फेंकना है, ये जो पतला सा है वो भी फेंक देना है। तो ऐसा हर एक फ्लावर के अंदर से फेंकना होता है, वो एक स्टाइल था, उस प्रोसेस से भी कर सकते हो, या फिर एक साथ ये सारे फ्लावर ले लो और जो दूसरा प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ ऐसे भी कर सकते हो। अच्छे से इसको बहुत ही बारीकी से कटना होता है, जैसे मैं कट रही हूँ। कटिंग प्रोसेस अब देख लो, और उसके बाद अब हल्दी वाले पानी में इसको भिगो के रखो। तो हम पूरे बनाना फ्लावर को और स्टेम को अच्छे से फाइनली चॉप करके हल्दी वाटर में भिगो के रखा है कुछ आधा घंटे से एक घंटे। एक घंटे बाद मैं उस वाटर को फेंक दिया, और फिर मैं प्रेशर कुक करूँगी प्लेन वाटर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल के साथ। पहले एक सीटी आप हाई फ्लेम में दो, और फिर आप देख सकते हो 20 मिनट मैं लो फ्लेम में इसको रख दूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। 20 मिनट बाद जब स्टीम निकल जाएगा तो देखिए बनाना फ्लावर एकदम बॉयल हो गया। अब मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ आलू ऐसे चौकन्नी काटे हुए, और मंगोड़ी मैंने यहाँ मसूर दाल और उड़द दाल का लिया है। आपको जो भी मंगोड़ी आपके पास अवेलेबल हो वही ले लो, जिसको हम वड़ी भी बोलते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे मंगोड़ी लिया है, ये खाने में अच्छा लगता है, स्पेशली हम बनाना फ्लावर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बदले आप दाल वड़ा भी यूज़ कर सकते हो। पहले मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया, उसके बाद मैंने मंगोड़ी को फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम में फ्राई करें, हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो मंगोड़ी जल सकती है। तो मीडियम फ्लेम में मैं आराम से इसको फ्राई कर रही हूँ, 4 से 5 मिनट लगता है। और देखिए जैसे ही लाल होना स्टार्ट हो तभी आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि ये बाहर निकालने के बाद भी अपने आप ही पकता रहता है। फिर मैं वही तेल में आलू को फ्राई करूँगी अच्छे से, इससे छोटा भी आप काट सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। अब आलू के अंदर मैं डाल रही हूँ, जब फ्राई हो गया, तो लाल मिर्च और 1 टीस्पून खड़ा जीरा। अब मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता। जैसे मैंने बोला ये बहुत ही एक्जॉटिक डिश है, बंगाल में आओ तो 5-स्टार होटल में भी मिल जाता है मोचा घंटो, और ये इस कोस्टल रीजन में मिलता है केरला बंगाल, तो इसमें कोकोनट मस्ट होता है मोचा के रेसिपी पे। को पहले मैंने दिखाया था कद्दूकस की और नारियल मैंने रखा है, अब मैं इसमें चंक डाल रही हूँ नारियल के। ये जब खाने टाइम मुंह में आता है तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। थोड़ा सा कोकोनट मैंने इसी स्टेज में डाल दिया। अब मैं फिर इस ऑयल के अंदर डाल रही हूँ जीरा पाउडर। इसमें स्पेशली एक ही मसाला जाता है, जीरा पाउडर, तो मैं 2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दिया, क्योंकि मैंने जो साइज़ का दिया था बनाना फ्लावर आपने देखा है उसके हिसाब से ये 2 टीस्पून इनफ है। ज़्यादा लेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा, आप 1 से 1.5 टीस्पून आराम से डाल सकते हो। अब मैंने जो बॉयल किया हुआ मोचा या बनाना फ्लावर था वो डाल दिया, साथ में मैं डाल रही हूँ अदरक पेस्ट 2 टीस्पून। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें भिगोया हुआ चना। तो चना मैंने कुछ 1 टेबलस्पून के आसपास डाला है, तो भिगोया हुआ चना आप डाल दो, और फिर सारे चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। और देखिए आप मिक्स करते करते इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। मैं डाल रही हूँ नमक, नमक स्वादानुसार डालना है, तो मेरे पास जितना है आप देख सकते हो उसके हिसाब से मैं 2 टीस्पून के आसपास डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, मैं 5 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा साइड में होता है, थोड़ा मीठा और थोड़ा तीखा इसका टेस्ट होगा तो ही टेस्टी होगा। ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो ख़राब, बिल्कुल नहीं होगा तब भी ख़राब, टेस्ट बेकार होता है। तो इसलिए 5 से 6 टीस्पून आप चीनी डालो आराम से, जितना क्वांटिटी मेरे पास है इस हिसाब से बता रही हूँ। अब सारे चीज़ को फिर से मैंने मिक्स कर दिया, आँच को धीमी करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया मैंने, इसलिए मैंने ऊपर से ढक्कन लगाया, आँच को धीमी कर दिया और कुछ 10 मिनट इसको पकने दिया। अब देखिए नमक और चीनी अपना पानी छोड़ दिया, और अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। इसी स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश, क्योंकि हम एग्जॉटिक स्टाइल से बना रहे हैं ना, तो हम थोड़ा किशमिश भी डाल रहे हैं, मुँह में आता है खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हरी मिर्च, हरी मिर्च बस फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, इसमें कुछ भी तीखापन बाहर नहीं आएगा, तो टेंशन ना ले। बनाना फ्लावर बेसिकली क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा कसा हुआ टेस्ट होता है, तो इसके लिए पानी अच्छे से फेंक दीजिएगा बॉयल करने के बाद, वो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, ये मैंने डाला दालचीनी पाउडर 1/4 टीस्पून और छोटी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा लौंग डाल दिया मैंने, आप कद्दूकस करके भी लौंग को डाल सकते हो। अब सारे चीज़ को मैं और एक बार मिक्स करूँगी अच्छे से, और फिर
तब तक मिक्स करूँगी जब तक ये मिल के एक जगह ना आ जाए। अब मैं कद्दूकस किया नारियल डाल रही हूँ। ये करीब मैंने लिया तो है 3 टेबलस्पून, लेकिन मैं पूरा यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब मैं डाल रही हूँ घी। घी थोड़ा अच्छे खुले हाथ से डाले, तो मैं यहाँ 2 टीस्पून घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये बनाना फ्लावर की सब्ज़ी का। अब सारा चीज़ रेडी हो गया, अब मैं फाइनल इसका लुक दिखा रही हूँ। ज़रूर घर पर बनाए और टेस्ट करके मुझे बताए कैसा लगा आपको रेसिपी।